सबसे बड़ा कल मुझे एक चीज पता चली कि ये तो कहा गया है कि तुम्हारा भी रखा हुआ है, तुम्हारा भी वायरल हो सकता है अगर बहुत ज्यादा बोली तो, मतलब यहाँ आपका तक बोला वीडियो भी गया। उन लोगों के पास, आप ये कह रहे हैं कि इस चीज की धमकी दी जाती है कि आपत्तिजनक वीडियो है, हम उसको वायरल कर देंगे। अभी कल काजल राघवानी ने एक इंटरव्यू दिया है, वो भी नेशनल टीवी चैनल पर, जहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं उनके आपत्तिजनक वीडियो को लेकर कि उनके वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा, और बहुत कुछ उनको धमकियां मिल रही हैं। और लगातार खेसारी लाल यादव के ऊपर उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों उन्होंने बहुत कुछ बातें बोल दी कि उनके पैसे वगैरह नहीं दिए जाते थे। दोस्तों कहीं ना कहीं सबसे पहले खेसारी भैया को इन बातों को आकर क्लियर करना चाहिए। अगर खेसारी भैया इसी तरह से चुप रहे तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगेगा कि खेसारी भैया ने सच में ऐसा किया होगा। अभी भाई मैंने किया है या नहीं किया है, मैं इसके बारे में कोई क्लियरेंस नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं काजल राघवानी के ऊपर कि काजल राघवानी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ बोल रही हैं। लेकिन टीवी नेशनल चैनल पर आकर काजल राघवानी ने भी बोला है, तो कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू के माध्यम से हमारे खेसारी भैया को भी लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए कि किस तरह की घटना हुई है। क्योंकि अगर इस तरह से वो इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं काजल राघवानी की बातें जो हैं वो सच लगने लगेगी जनता को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों खेसारी भैया को भी आकर इन सब बातों का जिक्र करना चाहिए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, काजल राघवानी ने जो बातें बोली हैं वो सही हैं या नहीं, इनको कमेंट जरूर कीजिए।